हर साल लाखों सैलानी एम्स्टर्डम में घूमने आते हैं। वो नहरों में घूमते हैं, फूलों के बाजार में जाते हैं और तस्वीरें खिंचाना पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ की चर्चित कॉफी दुकानों और रेड लाइट एरिया में तो जाते ही हैं। ऐसे में पर्यटन को सीमित करने पर लोगों की राय बटी हुई है। नहीं, मुझे लगता है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड्स के लिए भी पर्यटन अच्छा है। मुझे पता है कि बार्सिलोना पर्यटकों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लोगों को अपने घर किराए पर एयरबीएनबी में लिस्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहा, उन्हें लाइसेंस की जरूरत है। मुझे लगता है इससे पर्यटकों के लिए भी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, शायद आखिर में देश को ज्यादा नुकसान होगा। हम समझ सकते हैं कि स्थानीय लोग पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं, ये समझा जा सकता है, और ऐसा करना एक तरह से सामान्य बात होगी। दुनिया करीब आती जा रही है, यात्रा करना आसान हो गया है, ऐसे में हर अच्छी जगह पर भीड़ है। डिंगेमान कुमू एक नागरिक समूह हैटीज खनूख यानी अब बस बहुत हुआ के अध्यक्ष हैं। वो चाहते हैं कि अत्यधिक पर्यटन से लड़ने के लिए कदम उठाए जाएं। लोग विदेश से आते हैं और वो टिकटॉक पर देखते हैं कि यहाँ पर एक खास कुकी वो खरीद सकते हैं, और इसलिए ये सभी लोग यहाँ लाइनों में खड़े हैं, घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बहुत ट्रैफिक है और जो लोग चल रहे हैं वो सड़कों पर चुपचाप शांति से नहीं चल सकते। शहर ने पहले ही कई कदम उठाए हैं, जैसे अब छोटी अवधि के लिए किराए पर मिलने वाले अपार्टमेंट कम उपलब्ध हैं और एक रात ठहरने पर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। साथ ही रेड लाइट एरिया में बार और नाइट क्लबों को जल्दी बंद करना होगा। लेकिन प्रशासन कुछ और कदम भी उठाना चाहता है। उदाहरण के लिए हम होटलों के निर्माण पर रोक लगा रहे हैं। सिटी सेंटर में अब नए होटल नहीं हैं, ताकि कम ही सैलानी सिटी सेंटर की तरफ खींचें। हम 2030 तक रिवर क्रूज की संख्या भी आधी करना चाहते हैं। इससे थोड़ा दबाव कम होगा। हालांकि अभी ये बता पाना मुश्किल है कि इससे पर्यटकों की संख्या घटेगी या नहीं। प्रशासन ने सिटी सेंटर के बाहर कुछ इमारतें उपलब्ध कराई हैं, ताकि इनमें वो लोग रह सकें जो भीड़ भाड़ वाले सेंटर में नहीं जाना चाहते। From the heart of Amsterdam, Red Light Jazz Radio. एक और मुहिम है जो रेड लाइट एरिया की आवाज उठा रही है, रेड लाइट जैज रेडियो स्टेशन। ये आस पड़ोस के लोगों के लिए खुद को व्यक्त करने का एक मंच है, इसलिए हम इस जगह को टैबू कहते हैं। मतलब यहाँ टैबू या हिचकने की कोई बात नहीं, सब कुछ कहा जा सकता है। We Live Here नाम के क्रिएटिव कैंपेन में रेड लाइट एरिया के निवासियों की तस्वीरें खिड़कियों और दरवाजों पर सभी के देखने के लिए लगाई गई हैं। मकसद है सम्मान भरा माहौल पैदा करना। रेड लाइट एरिया के पार्टी वाले माहौल पर ध्यान देने की बजाय प्रशासन इस कैंपेन के जरिए एरिया की ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करना चाहता है। सैलानी तो एम्स्टर्डम में आते रहेंगे, लेकिन प्रशासन चाहता है कि शहर लोगों के लिए रहने लायक बना रहे। साथ ही उम्मीद है कि कम पर्यटक हैंगओवर के साथ घर लौटेंगे।